में और यहाँ पर 14 अगस्त का जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आर्टिस्टों से और उनके व्यूज लेंगे कि वो 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दीदार, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। 14 अगस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल जी, खैर मुबारक। अच्छा ये बताएं कि आप 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जाहिर सी बात है, इस टाइम हम महफिल थिएटर में प्ले कर रहे हैं, तो पहले अपनी ऑडियंस के साथ, अपने एक्टर्स के साथ मनाएंगे, फिर उसके बाद घर जाकर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, रोडों पर निकलेंगे। झंडियाँ लगाती? बिल्कुल, घर के ऊपर। बचपन में या अभी? नहीं, बचपन में लगाई थी, अभी नहीं लगाती। अच्छा, वैसे मोस्टली ऐसा होता था कि हम जब झंडियाँ लगाते थे तो बारिश आ जाती थी। हाँ, और मोस्टली 14 अगस्त को बारिश होती है, लेकिन उसकी अपना ही एक मज़ा होता है। हमारा आज़ाद मुल्क है और सब खुशियाँ मना रहे हैं इस वक्त, तो हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको हमारी तरफ से और इनर पाकिस्तान की तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों की भी बहुत बहुत जी। अब हम चलते हैं हमारे जी, आप बताएं कि आप 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? हम देखो जी हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 14 अगस्त आ रही है। तो सबसे पहले तो आफिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी चाहतों मोहब्बतों इनायतों का बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ हमारे दिली ख्वाहिश है कि पाक परवरदिगार हमारे मुल्क को सही सलामत रखे, जिस तरह से पहले इसी तरह से रहे, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को हमारी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, जो कि इधर उधर घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक आफरीन। अच्छा ये बताएं कि कोई ख़ास पैगाम 14 अगस्त के हवाले से? ख़ास पैगाम 14 अगस्त के हवाले से जो है वो सिर्फ इतना है कि ये छोटा सा मुल्क जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को आज़ाद हैसियत से रहने के लिए बनाया गया था। यहाँ हम अपनी दीनी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जहाँ झूठ ना हो, जहाँ नफ़रतें ना हों, मोहब्बतें ही मोहब्बतें हों, जहाँ दो नंबरी ना हो। दुख इस बात का है कि ये तमाम चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं, और जो लोग इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन ज़िम्मेदार हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। इस मौके पर उन लोगों से गुजारिश है कि खुदारा कायदे आज़म के उस फरमान को याद कर लीजिए, ये कौम जो है इसको महंगाई, इसको बदउनवानी, इसको ज़िल्लत परेशानी, एक दूसरे की दुश्मनियों से बचाएं और एक खूबसूरत रास्ते पर चलाएं। वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं ये उनके लिए पैगाम है, ताकि हम आज़ादी से और ख़ूबसूरत तरीके से जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से देंगे। आज़ाद कौम का आज़ाद नज़रिया आपने देखा। तो अब हमारे साथ मौजूद है अकील हैदर। अकील हैदर, आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। 75 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये दिन हमें देखना नसीब किया, और हम सब बहुत हैप्पी हैं अपने थिएटर में खड़े हैं एक अच्छी टीम के साथ। आफरीन जी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे मुल्क को शादो आबाद रखे, और इसी तरह सब लोग हंसते खेलते रहें, और अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। जी ये अकील हैदर थे हमारे साथ, और इसके साथ हम देखते हैं हमारे पास और कौन से आर्टिस्ट, हमारे बड़े ही प्यारे आर्टिस्ट हैं, शाहिद खान इन्हें पकड़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। खैर थोड़े से बिजी, तो उनको अपना इंटरव्यू जो है कंप्लीट कर लेने देते हैं। मैं ये कहूँगी कि आज़ाद मुल्क में आज़ाद नज़रिया, और हमें चाहिए कि इस 75 सालों के पूरे होने के साथ साथ जिसके दिल में जो बात है, चाहे वो आवाम के हवाले से है, चाहे पॉलिटिक्स के हवाले से है, गवर्नमेंट के हवाले से, जो चीज़ कहना चाहते हैं आप खुले दिल से उसका इजहार करें, क्योंकि आप आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमें 75 साल पूरे हो चुके हैं, और मज़ीद हमारे जो है आने वाले साल हम बहुत खुशियों भरे गुजारे। मौजूद हैं शाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान की तरफ से, मेरी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से। सेम टू यू, पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को 14 अगस्त मुबारक, जश्न आज़ादी। लेकिन आफरीन जी, जहाँ पे हम 14 अगस्त मना रहे हैं, जश्न आज़ादी के मौके पे हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज हम 75 साल के हो गए, क्या जिस मकसद के लिए हमने ये पाकिस्तान हासिल किया था वो हम उस पर पूरा कारफरमा हैं, क्या हम अपने ट्रैक से उतर तो नहीं गए? हमें सोचना पड़े। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि सलंसर निकालें, सड़कें ब्लॉक करें, फैमिलीज़ को तंग करें, हल्ला गुल्ला करके और सो जाएं। ये जश्न आज़ादी का ये वो दिन है जो हमारे बड़ों ने कुर्बानी है, हमारी माओ बहनों ने कुर्बानियाँ दे के इस वतन अजीज़ को हासिल किया। सो मेरी इस मुल्क के खाक रूप से लेके वज़ीर आज़म तक ये रिक्वेस्ट है, और ये एक सवाल क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या हमने जिस जद्दोजहद से ये पाकिस्तान हासिल किया था, क्या हम उसको हासिल कर चुके हैं? मुझे जवाब चाहिए अपनी पूरी कौम से। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद खान हमारे साथ है, और बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा उन्होंने अपना, क्योंकि आज़ाद मुल्क में आज़ाद ख्यालात का बिल्कुल इजहार करना चाहिए,
और जिस जिसकी जो सोच है उसको बयान करना चाहिए, जो सवाल हैं वो भी करने चाहिए। आज़ादी हम बड़े खुशी से मना रहे हैं, मेरी तरफ से वंस अगेन, इनर पाकिस्तान की तरफ से, पूरी कौम को बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ाद रहें और खुश रहें और दुआओं के साथ हमें भी याद रखें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थी आफरीन परी, इनर पाकिस्तान के साथ। थैंक यू।